गुड मॉर्निंग मैम। ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। सो टुडे आई एम थैंक गोइंग यू। टू शेयर अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ महेश मंजेश कुमार। ही क्वालिफाइड दी जी सीसीआई एग्जाम एंड सेलेक्टेड इन दी सीसीआई जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मंजेश फॉर योर सक्सेस फ्रॉम द एंटायर थैंक टीम ऑफ यू एग्रीकल्चर एंड जीके। थैंक यू थैंक यू मैम। ओके सो नाउ आई हैव टू नो योर स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स फॉर अचीविंग दिस सक्सेस, कि आपने किस किस तरीके से अपनी सक्सेस को अचीव किया। सो स्टार्ट जी करते हैं विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जी मैम, मेरा नाम मंजेश कुमार है और मेरी बीएससी एग्रीकल्चर जनता कॉलेज बकेवर इटावा से हुई है। उसके बाद मैंने एमएससी सीएसए चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर से की है वेजिटेबल साइंस में। और इसके बाद में मैं एफओ की तैयारी कर रहा था, पहले 2 बार नहीं हो पाया है किसी कारणवश से, कुछ प्रिपरेशन नहीं हो पाई सही से। उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया 1 साल उस एचसीएल फाउंडेशन प्राइवेट, हरदोई में ही था तो मैं हरदोई में वहाँ करता 1 साल किया। उसके बाद उसी दौरान एफसीआई का मैंने पेपर दिया, एफसीआई में की तो लेकिन जॉब के साथ उतना प्रिपरेशन नहीं हो पाए तो मेरा वेटिंग में रह गया, एफसीआई में नहीं क्लियर हुआ। जस्ट उसके बाद मैंने प्राइवेट जॉब को भी छोड़ दिया, उसके बाद मैं आके कानपुर चला आया और तैयारी किया। उसके बाद मैं आपका एग्रीकल्चर एंड जीके से जितने वीडियो यूट्यूब पे थे वो सब रिवाइज किए, तब तक एक वैकेंसी इसकी सीसीआई की वैकेंसी आ गई थी तो इसका किया, मॉक टेस्ट थे वो वाले लगाए तो उससे काफी हेल्प मिली इसमें सक्सेस होने के लिए, तो फाइनली इसमें मेरा नाम आ गया। कैसे खुशी हुई आपको जब आपका नाम आया, आपकी फैमिली एंड सब लोग? हाँ, फैमिली में तो बहुत खुशी है क्योंकि कोई जॉब फैमिली में कोई इससे ज्यादा पढ़ा भी नहीं था और पहला जॉब ही मेरा है फैमिली में, तो घर ओके वाले खुश हैं सब हैं अच्छे से। ठीक। तो ऐसा इज देर एनीथिंग कि किस चीज से आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिली कि नहीं मुझे जो है ये जॉब पानी है? कुछ ऐसी चीज थी कि आपको जो मोटिवेट बहुत करती थी? जी मैम, ये था इसमें घर वाले भी चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, प्राइवेट लाइफ तो में मेरा एमएससी जैसे हाँ स्टेबल होने कंप्लीट के लिए। एमएससी हुआ था तुरंत, जी एमएससी कंप्लीट होते ही मुझे तुरंत प्लेसमेंट मिल गया था एचसीएल में, लेकिन उससे ना तो हम सेटिस्फाई थे कहीं ना फैमिली वाले थे, तो इसलिए फैमिली वाले कभी नहीं किया कि प्राइवेट जॉब ज्वाइन करो, हम ही अपने आप से ज्वाइन कर लिए थे तो 1 साल किए वहां पे, उसके बाद मैं छोड़ के चला आया था, मुझे लग रहा था कि हम कर लेंगे कुछ, तो इस वजह से मैं तुरंत छोड़ दिया और चला आया और फिर उसके बाद में तैयारी करता, तब उसी दौरान वैकेंसी आ गई कि मैं अगस्त में छोड़ा था और उसमें 11 अगस्त तक मैंने इसमें फॉर्म भरा था सीसीआई में और सितंबर में 15 सितंबर पेपर हो गया, तो 1 मंथ अच्छे से पूरा वीडियो जो भी था यूट्यूब से कंटेंट देखा एग्रीकल्चर इसका जो भी, और मॉक टेस्ट इसके लगा, तो इसके काफी क्वेश्चन जो डायरेक्ट उसमें मिल जाते। बात क्या है, कुछ कम समय के लिए, टाइम ज्यादा था नहीं इसके लिए, तो उसमें क्या पढ़ना है क्योंकि इतना सिलेबस तो कम होता नहीं किसी सब उसका, तो उस हिसाब से प्रिसाइज उसमें वे में वीडियो मिल गए तो उनसे कर गए तो काफी हेल्प मिल हाँ, तो आपने बेसिकली, आप गई। कह रहे हो कि आपने 1 महीने के अंदर पूरी अपनी तैयारी करके हाँ पूरी एग्जाम क्वालिफाई करके आप 1 महीने सेलेक्ट हुए, है ना? जी विच इज वेरी गुड। जी ये बहुत ही अच्छी बात है, लोगों को इससे सीखना चाहिए कि आप 1 महीने के अंदर अगर आप में काबिलियत है तो आप, कोई भी इंसान जो है वो चीजें पा सकता है ना? आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी तो वो क्या क्या थी, मतलब आपने किस किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को किया 1 महीने का, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास कि आप सब चीजें पढ़ पाओ, है ना? तो एक जी बहुत एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी पड़ी होंगी आपको। हाँ ओके। तो पहले तो हमने सिलेबस देख लिया था और टीम से हालांकि वीडियो भी आपके इस पे पड़ी थी, सिलेबस क्या क्या है कैसे कैसे करना है, तो वो टॉपिक उसमें भी देख लिए थे कि कौन से ज्यादा टॉपिक अच्छे रहते हैं और जल्दी कवर हो सकते हैं, तो इस वजह से फिर एग्रीकल्चर पे मैंने आधा टाइम एग्रीकल्चर पे दिया, आधा टाइम सीसेट मतलब रीजनिंग इंग्लिश मैथ के लिए दिया था। उसमें भी मैंने जीएस पे ज्यादा दिया नहीं क्योंकि जीएस का कोई है नहीं सिलेबस, पता नहीं कहाँ से कितना आ जाए, 1 महीने में कवर नहीं कर सकते, तो जीएस पर इतना नहीं जोर दिया, तो उसके बाद मैथ रीजनिंग को थोड़ा प्रेफरेंस दी इंग्लिश को, ये जल्दी कवर हो सकते थे क्योंकि टॉपिक सेलेक्ट थे। उसके बाद एग्रीकल्चर कुछ मैं पहले से भी कंसिस्टेंट पढ़ रहा था एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है नहीं कि 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में तैयार होगा, मिनिमम इसके लिए 1 साल ही देना पड़ेगा तब आल ओवर तुम समझ पाओगे हर चीज के लिए। और आपने इतना टाइम आजकल ऑलरेडी दिया है, आपने बैचलर्स करी उसके बाद मास्टर्स करी, तो जी आपको फील्ड की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो जी बहुत ज्यादा जरूर, 1 महीने में आप कवर नहीं कर वो सकते तो हो।
नहीं कभी नहीं कवर पूरा कर पाओगे, क्योंकि 1 महीने में तो फिर वही सिलेबस देख के अदर चीज क्या पूछी जा रहे हैं वही कर सकते हो। अगर एग्रीकल्चर पूरा कर कभी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए कंसिस्टेंसी होना चाहिए। चाहे 1 घंटा पढ़ो 2 घंटा एग्रीकल्चर, अपना जो सब्जेक्ट है उसको देखते रहो, तो कभी ना कभी वो काम आएगा ही। तो हाँ ये एग्जैक्टली ओके सो टेल मी समथिंग अबाउट योर जॉब प्रोफाइल. आपकी जो जॉब है उसमें क्या क्या आपको किस तरीके की आपकी जॉब प्रोफाइल है वो सारी चीजें आप एक बार बताइए. जी, उसमें से अभी तो हम ज्वाइन ही करने वाले हैं, अभी ज्वाइन भी नहीं किया है, बस ज्वाइन करने वाले हैं 1-2 दिन में, तो उसके बारे में भी इतने तो जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, यह है कुछ फील्ड की जॉब है और मैं पसंद भी थी फील्ड की जॉब, तो एक तो ये अच्छी है मेरे लिए। और किसानों से मिलना इसमें मोस्टली रहता ही है, क्योंकि परचेज जो करना है, काटन करना है, उसको फैसिलिटेट करवाना है, तो एक जो मैं चाहता था उसी अकॉर्डिंग मुझे जॉब भी मिली है। मिल गई तो फाइनली आप जी हाँ सेटिस्फाई हो कि आपको जैसा चाहिए था आपको जी, वैसी जॉब मिल गई हाँ। है राइट. और उसके बाद मैं आपको मेंस का भी दे के आया हूँ, उसका भी अच्छा खासा हुआ है पेपर, देखो। नहीं ओके सो आपकी जो ज्वाइनिंग है अभी आपने करा ज्वाइन किया नहीं है है ना, और आपको फील्ड की जो है जी बेसिकली आपकी जॉब है जो जैसा आप चाहते थे. हाँ, बस तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपकी कितनी है. बाबे उसमें रेंज दिए हुए हैं 22 से 90 हज़ार के बीच में, तो वही आपको समथिंग। हाँ हाँ इंक्रीमेंट के साथ साथ यानी स्टार्टिंग सैलरी 22,000 से आपकी स्टार्ट है. हाँ, 20,000, 22 तो बेसिक पे है, उसमें हाँ इंक्रीमेंट वो अलग से जो भी लग के, वो 40+ तो बनेगा शुरुआत से ही। तो हाँ अब हाँ एक साल भी इसमें प्रोबेशन पीरियड रहता है, तो उस पहले फर्स्ट ईयर में तो इतनी सैलरी नहीं हो पाएगी, सेकेंड ईयर होता है कुछ जल्दी से हाइक होती है, तो हाँ हिसाब से सैलरी तो अच्छी क्या है इसमें, सैलरी भी करने आपकी सैलरी का अच्छी वही है, सैलरी जो पे स्केल है वो ना। अच्छा है राइट. ठीक है और ये सो भी कुछ मतलब सीनियर से ये भी पता चला है कि कुछ सीजनल काम रहता है, तो कोई ज्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा हमेशा के लिए, हाँ हाँ तो ये हाँ भी हाँ एक। ओके यानी एक पीक टाइम पे जो वर्कलोड है वो होता है उस उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहती है हाँ, वो आपकी. हो जाता है क्योंकि सीजनल काम है, परचेज है, काटन पूरे साल तो हाँ परचेज किया जाएगा नहीं, हाँ तो एग्जैक्टली उसको थोड़ा बर्डन हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है. सो जो ये एग्रीकल्चर एंड जीके प्लेटफॉर्म है इसने आपकी कितनी हेल्प करी, किस तरीके से आप मानते हो कि आपकी सक्सेस में इसका ये बहुत बड़ा रोल है या एक इम्पॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया है. तो ये जैसे अब 1 महीने के अंदर क्या कर सकते, बुक तो सब रिवाइज कर नहीं सकते, तो क्या अब इसमें ये भी होता है कि अब हम जैसे सब पेपर एनालिसिस नहीं करते हैं, कोचिंग में क्या होता है पेपर कोई हुआ तो एनालिसिस किया जाता है, तो उसी बेस पे देखा जाता है कि आगे क्या आ सकता है इस एग्जाम में, तो उसी बेस पे कंटेंट तैयार किया जाता है, वो प्रोवाइड कराया जाता है, तो उससे काफी हेल्प मिल जाता है, जैसा कि वो हमें भी मिली है। हाँ तो हाँ मैं जितने वीडियो थे इससे रिलेटेड, काटन से रिलेटेड, वो भी जो नहीं भी है तो एग्रीकल्चर है तो पढ़ना जरूरी थोड़ी ना, काटन का ही तो ही पढ़ो, एग्रीकल्चर हाँ पता नहीं कहाँ से क्या पूछते हैं, तो उस हिसाब से मैंने सब वीडियो देखे, यहाँ तक कि जो मैराथन 1-2 दिन पहले तक चली थी वो भी देखी थी, ओके तो सो इस हिसाब आपने से और पूरी मॉक भी लगा दिए थे, तो इसमें काफी हेल्प मिल गई थी, क्योंकि आपने जो है एग्रीकल्चर एंड जीके कंपटीशन का सब सारा कंटेंट जो है वो आपने एक महीने में कवर कर लिया. हाँ, मैंने 1 महीने में उसको सब कुछ देख लिया था, जबकि टाइम नहीं होता, कम होता तो डबल स्पीड करके वीडियो रिकॉर्डेड वाले जल्दी जल्दी कवर किए देखने थे। होते हैं एग्जैक्टली उस टाइम माइंड भी बहुत एकदम फास्ट वो करता है ना कि हाँ, हमें फटाफट से कवर करना है सारा सिलेबस. जल्दी रिवीजन होता जाता है, क्यों नहीं करोगे तो फिर कुछ होगा भी तो नहीं, क्योंकि कंपटीशन क्या है अब कुछ नंबर से, 5-10 नंबर से रहता है पीछे, एवरेज बच्चा रहे जो इससे रह जाएगा तो नीचे रह जाएगा, 5 ही 10 नंबर मेहनत करके सिलेक्शन आप ले सकते हो, हाँ सिलेक्शन 5 नंबर एक तो नंबर किसी से भी रह सकता है यानी बस एक एक नंबर से भी बच्चे जो इतने है वो रह जाते हैं. ऐसे मेरा एफसीआई में जब वेटिंग में रह गया था, तो वहां पे कुछ थोड़ा मुझे अच्छे टाइम भी नहीं मिल पाया था, जॉब भी कर रहा था उस समय, तो इसलिए तो टाइम तो अब 1-2 महीने टाइम है, तो उसको अच्छे से देना पड़ेगा कोई भी, तो तो ये आप क्या लेकिन सजेस्ट करोगे कि एग्रीकल्चर अगर कोई पर्सन जॉब में है तो वो जॉब के साथ तैयारी कर सकता है या आपके अकॉर्डिंग उसको पहले जॉब छोड़ के सिर्फ तैयारी ही करनी चाहिए. देखो, आप कोई सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, कोई दिन में काम करके रात में पढ़ सकता है, हम क्या थे, हम दिन में जॉब जैसे किए हैं तो रात में अगर आधा घंटा मन हुआ तो पढ़ लिए, मन ही नहीं होता था मेरा पढ़ने का, हाँ हाँ और हाँ जब मन नहीं होता है तो कुछ नहीं। और कंपटीशन ये तो बहुत बड़ी वैकेंसी देखो, या तो बड़ी वैकेंसी ज्यादा आ रही है तब तो ठीक है, एक बार सिक्योरिटी हो जाएगा, लेकिन अगर छोटी छोटी वैकेंसी को टारगेट कर रहे हो तो हमें नहीं लग रहा कि जॉब करते वक्त टारगेट कर सकते हो, हाँ यानी अगर या आपको फिर हाँ हाँ अलग से आपको टाइम निकालना पड़ेगा और एक फोकस होके आपको फिर जो है हाँ, पढ़ाई क्योंकि वो करनी होगी. छोटी वैकेंसी है, 100 है, 50 है ऑल इंडिया, तो उसमें कंपटीशन तो अच्छा खासा रहता है, तो उसके हाँ लिए टाइम तो देना पड़ेगा, तो ये तो, एक एक सीट्स लेकिन के मैं लिए यही कह भी रहा 100 100 बच्चे हूँ जो है वो कम्पीट करते हैं
एग्जैक्टली तो अगर कोई जी जहाँ पे हाई अमाउंट में वैकेंसीज निकलती हैं तो तब तो मैटर हाँ, करता है कि ठीक है। उसके लिए तो ठीक है भाई, बता रहे हैं तो। लेकिन एक चीज ये है कि कंसिस्टेंसी अपने सब्जेक्ट में बनाए रखो हमेशा। अगर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो एग्रीकल्चर में ही अगर मैं गवर्नमेंट जॉब लेनी है कुछ भी, तो उसमें कंसिस्टेंसी 1-2 घंटे पर डे पढ़ते रहो। जरूरी नहीं वैकेंसी आए तब तो पढ़ो, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो उसका रिविजन कर लेना है उस टाइम। और रिविजन का ही टाइम देता है कोई भी पेपर हो, 2 महीना देगा, 3 महीना मैक्सिमम देगा, तो उसमें हाँ रिवीजन ही कर सकते हो, नया कुछ नहीं पढ़ पाओगे। और नया पढ़ने की कोशिश करोगे तो रिवीजन भी नहीं हो पाएगा, नया कुछ पढ़ नहीं पाओगे। एग्जैक्टली ना तो तो इसलिए हम इधर के रहे ना कंसिस्टेंसी उधर के। हाँ कहीं के नहीं रहोगे, तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है पढ़ने की। तो मैं एग्जैक्टली एग्रीकल्चर हमेशा बीएससी से ही पढ़ता रहा हूँ, तो उससे कोई नहीं, तो आप कोई वैकेंसी आती है तो तुरंत रिविजन ले लेता हूँ, देखता हूँ कोई अच्छी कोचिंग है, किसी अच्छे वीडियो कंटेंट देख के कर लेता हूँ। तो हमें ऐसे एग्रीकल्चर जीके के अच्छे लगे, एक प्रिसाइज वे में लगे कि जल्दी कवर हो जाएगा और थोड़ा सिलेबस से एकदम मैच करता हुआ है, तो मैंने किया फिर। और कहीं ना एग्जैक्टली कहीं काफी हेल्प मिली है मेरे, क्योंकि तो एक महीने अभी में तैयारी तो हाँ नहीं हाँ कर सकते अगर एक महीने में थे। कोई भी पर्सन पूरा सिलेबस कवर करने का सोचेगा तो वो तो नहीं हो पाएगा, वो कोई भी कभी नहीं हो प्लेटफॉर्म नहीं पाएगा, कर सकता, चाहे वो एग्रीकल्चर कोई नहीं कर इंडस्ट्री हो पाएगा, कोई कभी नहीं भी, कर, कुछ भी हाँ हो अदर नहीं कर प्लेटफॉर्म है पाएगा। वो नहीं कर सकता है। ये आपको खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको ये हाँ पोर्शन आता है और आपको इस पोर्शन पे ज्यादा हाँ बता, ध्यान बस देना है। रिवीजन चाहिए मुझे जी। हाँ अब कुछ एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे इफको आ गया तो कुछ अलग से पूछ रहा है, कुछ ऐड कर दिया टॉपिक, तो आप उस पर इतना टाइम मिलता है कि कर सकते हो फोकस, हाँ ठीक है। लेकिन काम वो पहले वाला ही आएगा जो आपका कंसिस्टेंसी है पर डे का। हाँ अगर आपने डेली अपना रूटीन में रखा है कि कुछ इतना टाइम ना मुझे कुछ, इतना हाँ इस सब्जेक्ट को देना है तो वो बस देना ही है, अदरवाइज अगर आप डिले करते रहोगे कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो तो फिर नहीं नहीं वैकेंसी होगा। आए, क्योंकि क्योंकि वैकेंसी इतनी ज्यादा नहीं है कि सबको मौका दे मौका। कुछ ना बच्चे तो कंसिस्टेंसी कर रख रहे हैं, तो रख रहे हैं तो उनसे तो पीछे हमेशा हो रहे हो, अगर नहीं रख रहे हो तो। इसलिए वो समझना पड़ेगा कंसिस्टेंसी अपने सब्जेक्ट में। जब तक जॉब नहीं मिल पा रहे तब तक करते रहो, उसका मिल जाए तो अपनी मर्जी है, करो तब चाहे सेटिस्फाई ना होके आराम करो। से करो। ठीक है। सो आपकी अभी इसमें पोस्टिंग कहाँ है राइट नाउ, कहाँ पे आप पोस्टेड हो? बठिंडा पंजाब में ओके सो आप जी पंजाब में मिलिए पोस्टेड हो, ठीक है, तो आप जी। पंजाब में जो है एंजॉय करोगे है ना। ठीक है, लोकेशन भी ठीक है, क्योंकि साउथ की लोकेशन मिल जाती, हम यूपी से हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, हाँ लेकिन ये हाँ ठीक है, नॉर्थ का हाँ इसलिए। तो आपके टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप कैसे बताओगे कि कैसे आपने टाइम मैनेज, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करना है ना, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, फिर एग्रीकल्चर है, तो कैसे आपने इन सारे सब्जेक्ट के साथ टाइम मैनेजमेंट किया? जो मैं बीएससी कर रहा था जिस वक्त, तो उस समय मुझे ये था कि एक मैं प्राइवेट कॉलेज से, मतलब प्राइवेट नहीं सरकारी कॉलेज है लेकिन डिग्री कॉलेज है, जनता कॉलेज बकेवर। तो उस समय मुझे ये लग रहा था कि यूनिवर्सिटी के बच्चे क्या होता है, कुछ अच्छे होते हैं या अच्छे माने जाते हैं, तो मुझे एक थी कि एमएससी की डिग्री हमें यूनिवर्सिटी से लेनी है, और हाँ यूनिवर्सिटी से भी लेनी, उसमें भी मुझे सीएसए ही लेना है अच्छा कानपुर का। हाँ हाँ तो हाँ उस वजह से मैं उस समय इतना कंसिस्टेंसी बनाया था, अपना टाइम टेबल पूरा सेट किया था कि मुझे एग्रीकल्चर हर हालत में कवर करना है। और वहाँ तो उस हिसाब से मैंने एग्रीकल्चर पूरी एकदम कवर कर ली थी, तो मेरी यहाँ पे अच्छी खासी रैंक भी आ गई थी, मेरा एडमिशन भी हुआ था, सीएसए में एडमिशन यहाँ पे हो गया था, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सॉइल साइंस से एडमिशन हो गया था, तो मैंने वहाँ पे ड्रॉप किया, यहाँ पे ले लिया था। तो उस वजह से उसके बाद मैं रिविजन ज्यादा मैं अब नहीं पढ़ रहा था इस समय, जब वैकेंसी आ गए तो थोड़ा पढ़ रहे थे, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी अभी भी नहीं छोड़ी थी, 1-2 घंटे पर डे एग्रीकल्चर को देना है ये एग्जैक्टली जी। तो मतलब आपने डेली जो है अपना, आप कंसिस्टेंट रहे और आपने हर दिन जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको कवर किया, राइट? बस हाँ, चलो क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा है कि इतना सब्जेक्ट है, तो अगर एक नहीं रिवाइज करोगे तो भूलने लगोगे। हाँ अगर आपने बीच में डिले कर दिया तो हाँ चीजें उतने बैकअप में रही जी, रहती, राइट? और एक चीज है, कोई चीज हम ज्यादा क्या रटने पे फोकस ना करो, कोई चीज है उसको कंसेप्ट में लो, कंसेप्ट क्लियर करो। अगर कंसेप्ट, क्योंकि आजकल इतने एग्जाम है सब कंसेप्ट पे पूछे जा रहे हैं, कंसेप्ट बेस्ड हैं और हर एक एग्जाम एग्जाम का अपना अगर, एक अलग सिलेबस भी है, किसी एग्जाम में सिलेबस भी है किसी, जी, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे जितना घुमाए क्वेश्चन को घुमा लेने दो, आराम से होगा अगर कंसेप्ट क्लियर है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं, जरा भी क्वेश्चन घुमाया, लैंग्वेज घुमाई, घूम जाएंगे हम भी साथ में, इसीलिए कॉन्सेप्ट बस क्लियर होंगे तो ना आप घूमोगे और ना बस कोई एग्जामिनर, है नहीं ना? घूमेगा, तो कितना भी एग्जामिनर घुमाए, तो हाँ, कंसेप्ट से हर चीज को कंसेप्ट। तो कोचिंग का काम क्या है, कोचिंग एग्री कोचिंग या एग्री कोचिंग जिसे जीके, तो कोचिंग का मेन काम यही होता है, क्योंकि पढ़ना तो हम ही को है, लेकिन वो कंसेप्ट क्लियर कराते हैं कि किस तरीके से कंसेप्ट क्लियर करना है, क्या होता है एक इजी वे में,
हाँ तो हाँ मुझे जो भी ये आपको हेल्प जिस होती है, पढ़ना तो जितने उन्हीं को भी पड़ेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वो आपको उसमें जी जरूर हेल्प करेगा। वो ऐसा नहीं होता जी अगर जी आपने जी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो वो एक एग्जाम में हेल्प नहीं नहीं कर रहा है, वो आपके जितने नहीं वो हर एग्जाम्स। एग्जाम में उसका लेवल कंसेप्ट एक ही होता है किसी उसका, तो क्या होता है उसको लैंग्वेज पे होती है एग्जामिनर की। जैसे F4 अगर मेंस आ रहा तो थोड़ा घुमाएगा लैंग्वेज को, अगर थोड़ा वैसे आया तो डायरेक्ट पूछेगा बस। लेकिन अगर कंसेप्ट हमारा क्लियर है, कितना भी घुमा ले कुछ भी कर लो, मुझे क्लियर है तो है, तो हम मुझे आता करेंगे है तो वो आती है चीज। राइट हम राइट करेंगे कि शायद जितना घुमा। तो ये है, हाँ, चलिए ठीक है, वेरी नाइस, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मंजेश। थैंक और आप अपनी लाइफ में इसी तरीके यू। की सक्सेस आगे पाओ, और जो भी चीजें आपने बताई डेफिनेटली जितने भी फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं वो आपकी बातों को सुन रहे होंगे, और जो कंसिस्टेंट नहीं होंगे वो रेगुलरली अब स्टडी करेंगे कि अगर सर ने रेगुलर पढ़ के और 1 महीने के अंदर जॉब निकाली है तो हम भी वो चीज कर सकते हैं, है ना। एक मोटिवेशन मिलती है जी जब बच्चे देखते हैं कि इस तरीके से कोई अचीव कर रहा है अपनी सक्सेस को। जी मुझे कोई भी जूनियर है या सीईओ इससे कोई पूछता है तो ये बताते हैं बस कंसिस्टेंसी रखो। कहते हैं मुझे याद नहीं होता, तुमने कहा एक दिन पढ़ते होगे नहीं याद होगा, हमें भी नहीं याद होता, किसी को नहीं याद होता। दूसरे दिन पढ़ोगे फिर नहीं याद होगा, तीसरे दिन फिर नहीं, 3 4 बार जब पढ़ोगे ऑटोमेटिक आपको पिछली चीजें याद आती रहेंगी, और हाँ ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा कि पिछली चीजें याद है। जब पेपर आएगा मॉक दोगे तब पता चलेगा हाँ ये चीज हमें आती है, हाँ, खुद से जब ये तक आप होता है। अपने आप को तो एनालाइज नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, तो जी सेल्फ एनालाइजेशन बहुत पता जरूरी होता नहीं है। पता चलेगा एग्जैक्टली कि हमें क्या है, क्योंकि हर चीज याद नहीं रख सकते हैं हमेशा। तो बिल्कुल, चलिए बस वेरी कंसिस्टेंसी हम सोच रहे हैं बस हाँ बस हाँ हमें। तो यही बोलेंगे कि अब सर ने बोल दिया है आपके कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, तो आप जितने भी जी हमारे कैंडिडेट्स होंगे अपने रेगुलरली जी वो स्टडी करेंगे और एक कंसिस्टेंसी के साथ आगे जो है फ्यूचर में जितने भी एग्जाम्स हैं उनको देंगे। सो वेरी जी वेरी कंसिस्टेंसी रहोगे तो जॉब 100% मिलेगी, हाँ, अब तो बिल्कुल पक्का हो गया कि अगर आप गवर्नमेंट कंसिस्टेंट रहोगे तो मिलेगी आपको 101% जो जॉब है जॉब मिलेगी मिलेगी। जॉब मिलेगी और ये सर इस सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं कर रहे, जितने भी फ्यूचर एग्जाम्स हैं चाहे वो कोई भी कोई एग्जाम भी एग्जाम है, अगर कंसिस्टेंट कोई अगर कंसिस्टेंट है तो कोई भी फ्यूचर का एग्जाम आए, क्योंकि 2 महीना 3 महीना देगा, तुम रिवीजन मार लो बस आराम से। अगर नहीं पहुंच रहे हो आसपास पहुंचोगे, जब आसपास पहुंचे उस एग्जाम में नहीं होगा तो सेकंड वैकेंसी आएगी, कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम उस एग्जैक्टली एग्जाम में वहां तक पहुंचे। तो यही मेरे साथ हुआ, मैं FCI में वेटिंग में रह गया तो मुझे लगा हम प्राइवेट छोड़ के 1 महीना अगर 2 महीने कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा और हो जाएगा। तब तक वो क्या हुआ, वैकेंसी भी आ गए और 1 ही महीने का टाइम मिला तो मेरा हो गया। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है हर चीज की, और वो अगर एग्रीकल्चर किसी भी फील्ड में हो, जिस सब्जेक्ट से हो, अगर हाँ उसमें पहले से बेस आपका होना चाहिए अच्छा तो आराम एग्जैक्टली से होगा। तो बस अब आप कंसिस्टेंसी के साथ जितने भी लोग हैं वो पढ़ाई करेंगे डेफिनेटली, और बस जिस तरीके से आपने अपनी सक्सेस को अचीव किया है वो लोग भी करेंगे। जी सो वेरी वेरी जी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मंजेश अगेन फ्रॉम द एंटायर थैंक टीम ऑफ यू एग्रीकल्चर एंड जीके, एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप जितनी भी आगे आपकी सक्सेस है लाइफ में उसको अचीव करो। सो वेरी वेरी मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू शेयरिंग थैंक अपनी जर्नी हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए, एंड जो भी अदर स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू।